मैं आपसे कहूं कि आप भी अपने अकाउंट की वीडियो को वायरल कह सकते हैं तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? हरगिज़ आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको जो है आपकी आंखों के सामने जो है वीडियो वायरल करके दिखाऊंगा और बाकायदा मैं आपको बताऊंगा भी सही मैं वीडियो वायरल करने के लिए कौन सी ट्रिक लगाता हूँ, कौन सी सेटिंग को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा जो है USA वाला अकाउंट है, इस पर आप व्यूज़ भी देख सकते हैं। ये देखें कितने व्यूज़ हैं, लाखों में व्यूज़ हैं और ये मैंने जो है सिर्फ 3 दिन के अंदर कंप्लीट किए थे। मेरे जो है 8,000 फॉलोअर और 1,00,000 व्यूज़ का क्रेड एरिया भी मुकम्मल हो गया था, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैंने जो है कोई यहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह उठा के लगा रखी है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है अपने टिकटॉक अकाउंट या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को जो है आप 1 दिन के अंदर वायरल कर सकते हैं। सारा आपको इसमें तरीका बताऊँगा और आपकी 3 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिससे आपकी वीडियो जो है कभी भी वायरल नहीं होती। और कोई भी जो है टिकटॉक स्टार जो है वो जब भी वीडियो लगाते हैं उनकी वीडियो उसी टाइम वायरल हो जाती है, लेकिन आप जब भी वीडियो लगाते हैं तो आपकी वीडियो पर वही जो है रोक ढो के जो है 100-200 व्यूज़ आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज मैं आपको जो है A to Z सारा बताऊँगा। पर आप मेरा ये सेकेंड अकाउंट भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर लें, इसके फॉलोअर भी आप देख सकते हैं 35,600 फॉलोअर हैं, जो कि मैंने 1 घंटे के अंदर जो है 10,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर ले लिए थे। और इसके आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ, सिर्फ चंद ही वीडियो हैं, आप भी सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने न्यू अकाउंट पर कौन सी ट्रिक लगाकर, कौन सी सेटिंग करके आप अपने टिकटॉक के न्यू अकाउंट को जो है वायरल कर सकते हैं, वो भी 1 दिन के अंदर और 1 घंटे के अंदर आपकी वीडियो जो है फॉलो में जाएगी। यहाँ से आप नीचे भी जाके चेक कर सकते हैं, ये देखें बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे थे और ये आप देख लें सिर्फ इतनी वीडियो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी जो ऐसी ट्रिक लगाता हूँ जिससे मेरा जो है कोई भी अकाउंट है वो उसी टाइम वायरल हो जाता है, लेकिन आपकी वीडियो पर जो है वही 100-200 व्यूज़ आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सारा आपको जो है इस वीडियो में A to Z बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जब भी अपना न्यू अकाउंट बनाना है अपनी जीमेल या ईमेल से बनाना है, आपने मोबाइल नंबर से कभी भी अपना टिकटॉक अकाउंट नहीं बनाना। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ से आपने प्राइवेसी में आ जाना है और यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपने अपने अकाउंट को जो है प्राइवेट तो नहीं किया हुआ। ये चेक करने के बाद आपने क्या करना है, सजेस्ट योर अकाउंट पे क्लिक करके ये जितने भी ऑप्शन मैंने ऑन किए हुए हैं आपने ये सारे ऑन कर देने हैं। ऑन करने के बाद आपने इसे बैक कर देना है, उसके बाद सिक्योरिटी में आ जाना है। सिक्योरिटी में आने के बाद आपने इसे जो है ऑन कर देना है, यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है 2-स्टेप वेरिफिकेशन का, आपने ये भी जो है ऑन कर लेना। तो यहाँ से मैं ये भी ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद ये पासवर्ड का ऑप्शन होता है, आपने ईमेल पे अकाउंट बनाना है, उसके बाद ये देखें वेरीफाई योर आइडेंटिटी, आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आपकी यहाँ से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाती है। ऐड करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इनका न्यू फॉर्म जो है ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप करके यहाँ से ये देखें अपनी डिवाइस के साथ भी इसे जो है आप यहाँ से जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन करके अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करके अपने अकाउंट के हर वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो इससे आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें मेरी जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये भी आप जो है ऑन करके अपने टिकटॉक अकाउंट को वायरल कर सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ये मेरे अकाउंट की 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी, ये देखें पहले ऑफ थी अब ये ऑन हो गया, आपने भी ये ऑन कर लेनी। ऑन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे आ जाना है कॉन्टैक्ट और प्रेफरेंस में आ जाना है और यहाँ से आपने जो है अपने न्यू अकाउंट पर जो है ये फ़िल्टर लगा देना, ठीक है। यहाँ से फ़िल्टर वीडियो कीवर्ड, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। तो यहाँ से आप ये चेक कर लें, ये देखें मैंने कितने यहाँ पर फ़िल्टर कीवर्ड लगाए हुए हैं। आपने भी ये अपने अकाउंट के हिसाब से अपनी वीडियो के रिलेटेड ये कीवर्ड लगा देने, यहाँ से ये देखें ये फॉर यू वाला कर देना, ठीक है, ये देखें फॉर यू, इससे भी आपके अकाउंट की पहली वीडियो उसी टाइम फॉर यू पे जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, रिफ्रेश योर फॉर यू फीड, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू पेज इसका ओपन होके आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यूस पे क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर देना है।
जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिलेक्ट वन या मोर रीज़न, आप किस रीज़न की वजह से अपने अकाउंट को जो है रिफ़्रेश कर रहे हैं या फॉर यू फीड में भेजना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है जिस भी रीज़न की वजह से आप अपने अकाउंट को जो है वायरल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ यूजलेस कंटेंट, तो यहाँ से मैं इसे जो है सबमिट कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना, अगर आपको नहीं करना आता तो वो आप कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फ्री अप स्पेस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपने स्पेस को जो है बिल्कुल फ्री कर लेना है, यहाँ से आपने ज़ीरो कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिपोर्ट आप प्रॉब्लम में आ जाना है। रिपोर्ट आप प्रॉब्लम में आने के बाद आपको मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आगे मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो बड़े काम की ट्रिक है। इसे फॉलो करने के बाद मैंने जो है टिकटॉक पर 10 से 20 अकाउंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे वायरल किए हैं, और आप भी कर सकेंगे। और आप यहाँ से मेरे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर देख सकते हैं कितने सब्सक्राइबर हैं। इस पर भी मैं सेम वही ट्रिक लगाता हूँ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जिस भी सोशल मीडिया पर ये ट्रिक लगाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह वीडियो उसी टाइम जो है वायरल भी होगी और आपके फॉलोअर भी अच्छे खासे आ जाएंगे। रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है जैसे कि अकाउंट ग्रोथ का। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से अकाउंट ग्रोथ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अकाउंट ग्रोथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाता है आई वांट टू ग्रो माय अकाउंट। तो आपने ये न्यू अकाउंट पर लाजमी से ये कर लेना है। तो यहाँ से जैसे मैं आई वांट टू ग्रो माय अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है आई वांट टू ग्रो माय अकाउंट। तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने इसे यस कह देना है, ठीक है। यस करने के बाद मैं इसे बैक कर देता हूँ। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। अगर आप अपनी वीडियो को सर्च में लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से सर्च फॉर कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको ये भी ऑप्शन इसका दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ से ये भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आपने इसे भी यस कर देना है। यस करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। उसके बाद चैट विद अस, आपने जो है लाइव जो है अब टिकटॉक के साथ गपशप करनी है, लाइव उन्हें बताना है कि आप किस तरह से अपने न्यू अकाउंट को वायरल कर सकते हैं। सारा तरीका आपको जो है टिकटॉक के टीम जो है वो आपको देगी, या कोई भी आपका इशू आ जाता है तो यहाँ से आप टिकटॉक से लाइव गपशप करके टिकटॉक से यहाँ से आप मसला जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें आई वांट टू ग्रो माई अकाउंट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास इसका ये देखें नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट आ वीडियो का। तो आपने क्या करना है, एक अपनी सिलेक्ट वीडियो करनी है जो भी आप अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये देखें आपके अकाउंट की गैलरी के मुताबिक से वीडियो आ जाएंगे। यहाँ से आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से जो है अपलोड कर देना है, टिकटॉक टीम के पास भेज देना है। टिकटॉक टीम खुद आपकी वीडियो को जो है फाजू पर भेजेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह कि आपने ये वीडियो पहले अपने टिकटॉक अकाउंट में अपलोड करनी है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ से ये देखें आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। अगर आप सजेशन में अपनी वीडियो को भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। यहाँ से अगर आपको मैं दिखा दे दूँ अकाउंट एंड प्रोफाइल में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाजमी से ये चेक कर लेना है। उसके बाद गूगल के साथ, उसके बाद आपने जो है टिकटॉक टीम के साथ यहाँ से लाइव बात करके अपने अकाउंट को जो है वायरल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने वीडियो को कैसे अपलोड करना है, किस तरह से अपलोड करना है, सारा आपको मैं इसमें बताता हूँ। और उसके बाद मैं आपको जो है आपकी कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिससे आपका अकाउंट जो है बनाने के बाद वो गलतियां करने से आपका अकाउंट डेड हो जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने अकाउंट की जो है प्लेलिस्ट बना लेनी है। यहाँ से मैं जो है अपने अकाउंट की प्लेलिस्ट बना लेता हूँ, जो भी आप यहाँ पे नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 10 मिलियन व्यूज़, ठीक है। तो मैं इसे जी नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखें ये मेरी प्लेलिस्ट बन गई। अब इसमें मैं अपने हिसाब से वीडियो ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है अपने न्यू अकाउंट पर वीडियो कौन सी अपलोड करनी है, कौन सी ट्रिक लगानी है, और किस तरह से अपनी वीडियो को जो है आपने वायरल करना है। सारा आपको इसमें जो है ए टू सी टिप्स के साथ ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, ये ऐड प्लेलिस्ट में अपनी वीडियो को ऐड कर देना है। यहाँ से ये देखें जैसे ही आ गई, मैं आप डन कर देता हूँ तो ये खुद ब खुद मेरी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आ गई, ये देखें, ठीक है। तो आपने भी इस तरह से अपनी वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर देना है। अगर आपको प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करना आता तो उसके लिए भी आपने कमेंट लाजमी कर देना है। अब आपने क्या करना है, अपने न्यू अकाउंट का कोई भी आपने जो है वीडियो अपलोड करनी है, आपने वो वीडियो अपलोड करनी है जो HD क्वालिटी में हो।
ऐसी वीडियो आपने हरगिज़ अपलोड नहीं करनी जिसका पिक्सल सही ना हो, और आपने जो है फर्स्ट वीडियो 15 से 20 सेकंड से कम वाली अपलोड करनी है, ताकि इससे वाच टाइम आपकी वीडियो पर ज़्यादा है। जब आपकी वीडियो पर वाच टाइम ज़्यादा आएगा तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली टिकटॉक खुद आगे लोगों तक भेज देगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो है टिकटॉक वीडियो जो अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये तो पता होगा प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से वीडियो को अपलोड कर दें, मैं आपको अपलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो आप जैसे वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह से इस वीडियो का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्लिक करके यहाँ से अपने जो है इफ़ेक्ट लाजमी लगा देना है। इफ़ेक्ट लगाने के बाद आपने इस वीडियो की लेंथ जो है 10 से 15 सेकंड से कम रखना है। मैक्सिमम आपकी जो है वीडियो की फर्स्ट वीडियो की लेंथ जो है 15 सेकंड से कम हो। उसके बाद आपने जो दूसरी वीडियो अपलोड करनी है वो अपने ओरिजिनल म्यूजिक में अपलोड करनी है, और बाकी वीडियो जो है वो टिकटॉक साउंड पे अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ से आपके पास ये इस तरह से इनके इफ़ेक्ट आ जाते हैं, आपने ये इफ़ेक्ट लाजमी ऐड करने हैं। तो यहाँ से मैं सारे जो है इफ़ेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको अप्लाई नहीं करने आते तो उसके लिए भी आपने कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको सारा जो है नेक्स्ट वीडियो में एड वी बताऊँ। करके यहाँ से चेक कर लेना कि आपकी वीडियो जो अपलोड होगी वो एवरी वन पर होगी या फ्रेंड पे। अक्सर की वीडियो जो है सिर्फ फ्रेंड पे होती है या ओनली मी पर भी होती है, इसलिए भी उनकी वीडियो पर जो है ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो आपसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट कवर का। तो आपने सिलेक्ट कवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने जो है इसका कवर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे जो है ओके करके यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करके लोकेशन आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे भी आपकी वीडियो जो है वायरल होती है। यहाँ से मैं लोकेशन ऐड कर देता हूँ कराची की। तो जो भी आप यहाँ पे लोकेशन लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि कॉन्टैक्ट, ये अगर आप ऐड लगा रहे हैं तो वो भी आप कह सकते हैं, यहाँ से ऐड लगा सकते हैं। नहीं तो आपने ये देखें अलाउ हाई क्वालिटी, आपने ये चेक कर लेना है, और इसे जो है वीडियो अपलोड करने के बाद इसे ऑन कर देना है। तो यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ और इसे ऑफ़ कर देता हूँ, और यहाँ से ऐड टू प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक कर देना है अगर आपने प्लेलिस्ट बना रखी है। और यहाँ से मैं जो है प्लेलिस्ट पे क्लिक करके इसे जो है ओके करके यहाँ से आपने जो है अपनी वीडियो के हिसाब से कुछ टाइटल देना है। उसके बाद ट्रेंडिंग हैशटैग देना है, जो कि मैं हर वीडियो में देता हूँ। वो हैशटैग जो है टिकटॉक के वीडियो के रिलेटेड होंगे, जैसे अब ये मेरी आर्टिफिशियल वीडियो है तो मैं आर्टिफिशियल के हैशटैग दूंगा, अगर मेरी सॉन्ग के रिलेटेड वीडियो है तो वो मैं सॉन्ग के रिलेटेड हैशटैग दूंगा। अगर आपको हैशटैग नहीं देने आते तो वो भी आपने कमेंट कर देना है, उसके लिए भी मैं आपको जो है एक वायरल हैशटैग मैं दे दूंगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो अपलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपकी जो है असल ट्रिक अब यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपने वीडियो अपलोड की है, आपने कोशिश करनी है कि आपने 5 से 7 वीडियो इकट्ठी अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, 5 से 6 जो है फेक टिकटॉक के अकाउंट बना लेने। टिकटॉक के अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, हर वीडियो को जो है 3 से 4 बार उस अकाउंट में वॉच करना है, या आपने अपने टिकटॉक अकाउंट का जो है लिंक यहाँ से आपने कॉपी कर लेना। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं अपनी वीडियो में ट्रिक लगाता हूँ, यहाँ से आपने 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके जिस भी आपने वीडियो को वायरल करना है उसका यहाँ से आपने लिंक कॉपी कर लेना है, और आपने जो है व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेना है, ठीक है। यहाँ से व्हाट्सएप के ग्रुप बनाने के बाद आपने वो लिंक व्हाट्सएप में पेस्ट कर देना, या आपने जो है अपने फेसबुक अकाउंट में आ जाना है। फेसबुक अकाउंट में आने के बाद यहाँ से आपने लिख देना है टिकटॉक फॉर यू ट्रिक, ठीक है। पर आपने जो अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है, और आपने जो है यहाँ से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ मेरी वीडियो पे जाके विज़िट करें। तो इससे आपके वीडियो पर जितने भी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या व्यूवरशिप आएंगे तो आपकी वीडियो उसी टाइम जो है फॉर यू पर जाएगी। तो ये करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी। ये 3 गलतियाँ आपने कभी भी नहीं करनी, नहीं तो आपका अकाउंट जो है बनाने के बाद ही फ़ौरन फ्रीज़ हो जाएगा। नंबर 1 पे आपने जो है अपना अकाउंट जो है मोबाइल नंबर पे नहीं बनाना। नंबर 2 आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को जो है प्राइवेट नहीं करना। और नंबर 3 अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियो अपलोड करने के बाद आपने वीडियो को डिलीट नहीं करना। तो आप जब तक ये 3 गलतियाँ करते रहेंगे आपका अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो आपने ये 3 गलतियाँ करना बंद कर देना है। उसके बाद आपने जो है पहले दिन आपने 5 से 6 वीडियो इकट्ठी अपलोड करके 5 से 6 जो है फेक टिकटॉक अकाउंट से जो है आपने वॉच भी करना है, और इसका जो है लिंक भी कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद जैसे आप दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है टिकटॉक अकाउंट उसी टाइम जो है वायरल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको पता है इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो हम रोज़ाना के बेस पर अपलोड करते रहते हैं।